तस्वीर थी वो इशारा कर रही थी कि बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, लेकिन आज जिस तरीके से सियासी उलटफेर हुआ उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आप बता भी रहे कि मुख्यमंत्री भी कभी भी पहुंच सकते हैं वहां पर, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां हम लौटेंगे अभिषेक आपके पास, आप लगातार वहां पर बने रहिए। विवेक गुप्ता मातोश्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कल तक शिवसेना सरकार बनाने जा रही थी और आज का सियासी उलटफेर जो सुबह सुबह देखने को मिला उसके बाद शिवसेना में जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है, लेकिन अभी शिवसेना के विधायक कहां हैं, मातोश्री की तस्वीर क्या है, वहां क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? गायत्री, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि शिवसेना के जितने भी जीते हुए विधायक हैं उन सबको अभी यहाँ से मुंबई के अंधेरी इलाके के 5 सितारा होटल ललित में रखा गया और उनको स्ट्रिक्टली बोला गया कि कोई भी विधायक बिना किसी परमिशन के होटल से बाहर नहीं निकलेंगे, ना ही वो किसी अनजान शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे। सभी विधायकों को बोला गया कि अपने फ़ोन को वो स्विच ऑफ करके रखे गए और मुंबई के अंधेरी इलाके के होटल ललित में विधायकों को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी मुंबई से बाहर भेजने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 44 कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें भोपाल भेजा जा रहा है। वहीं तीसरी तरफ जो एनसीपी के विधायक ने मिलकर बीजेपी में शामिल होकर सरकार आज सुबह बनाई है, वो 8 विधायक अभी मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, वो भी गुजरात में किसी अननोन प्लेस पे भेजे जा रहे हैं। यानी कि गायत्री समझिए पूरा समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब पोचिंग का हर एक पार्टी को डर है, चाहे हम एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पोचिंग का हर किसी को डर है, कहीं कोई उनके MLA को अपना घींच ले। इसी डर की वजह से अब सभी पार्टियाँ कोशिश कर रही हैं कि जो भी MLA के पास है उन्हें मुंबई के बाहर भेजा जाए। यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी MLA दूसरी पार्टी के संपर्क में ना आए, क्योंकि समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुका है, अब नंबर गेम चल रहा है पूरी तरह से। शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि NCP के जो विधायक 11 से 12 विधायक गए थे उनमें से 4 से 5 विधायक वापस उनकी पार्टी में आ गए हैं। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल, क्योंकि विधायकों के टूटने का डर अब सभी को सता रहा है। शिवसेना ने जो 5-स्टार होटल है दादर ललित वहां पर अपने विधायकों को ठहराया हुआ है और कहा है कि बिना परमिशन के वो होटल से बाहर भी ना निकले, तो वहीं कांग्रेस अब तैयारी करे कि अपने विधायकों को भोपाल भेज दिया जाए, यानी मुंबई से बाहर भेज दिया जाए। वहीं जो NCP MLA बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं अब उन विधायकों को बीजेपी भी मुंबई से बाहर भेजने की तैयारी में है, यानी सभी को डर सता रहा है, क्योंकि अब जो मसला है वो अटका है नंबर गेम पर। फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत साबित करना होगा, तो कहीं विधायक ना टूट जाए इसका डर अब सभी दलों को सता रहा है। इस बीच राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, संजय निरुपम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं बैठा, वो तो राज्यपाल का प्रेरोगेटिव था, राज्यपाल संतुष्ट होने पर जिसको आमंत्रित करना था उन्होंने आमंत्रित किया। यंत्र के ऊपर मैं बहुत नाराज हूं और बहुत दुखी हूं। राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था कि पावर पॉइजन है, पवार भी पॉइजन है, और शिवसेना के जो लोग एक हिंदुत्व की विचारधारा पर वर्षों से काम करते रहे, स्वयं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो कहा करते थे कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, क्या कांग्रेस पार्टी इस विचार को स्वीकार करने जा रही थी? ये हमारा सवाल था और इसी आधार पर मैंने कहा कि इन 3 पार्टियों को मिला करके जो सरकार बनेगी वो बहुत घातक स्थिति होगी, उसमें अंततः कांग्रेस का नुकसान होगा और आज कांग्रेस का नुकसान। एक अस्थाई सरकार जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके राज्य हित में और राष्ट्र हित में, अभी दोनों ने ओथ लिया है, हमारी शुभकामना है महाराष्ट्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। अनेक दिनों से महाराष्ट्र में जो अस्थिरता थी आज फिर एक बार फडणवीस सरकार के रूप में स्थिरता प्राप्त हुई है। जो विकास के काम, जो किसानों पे आपत्ति है, वो सब समाज कल्याण के काम अब गति से शुरू हो गए। हमें एक समाधान है कि हम जनता के सामने गए थे, 12 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों ने फिर एक बार फडणवीस सरकार जनादेश दिया था, हम उसका पालन कर सके। आज से ज्यादा एक आक्रमण लोकतंत्र और गणतंत्र में मैं नहीं समझता कि हाल में कभी भी हुआ है, ये एक दगाबाजी है। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ जाकर जनता के जनादेश का अपमान किया था, अब हुआ है जनादेश का सम्मान। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत उनके पास है,
वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। ये है असली सरकार। शिवसेना ने जिस तरह महाराष्ट्र की जनता के साथ और बाला साहब ठाकरे जी के असूल के साथ धोखा किया, उसका जनता उसको जवाब देगी। स्वाभाविक सरकार बनी है, एनडीए को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 105 सीटें हमारे पास। शिवसेना ने धोखा किया, लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है अंततः खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। कोई फैसले मध्य रात्रि के हों, इस तरह के मध्य रात्रि के जहां लोगों को पता ना हो, लोग सो रहे हों अचानक में, तो ये एक तरह से कू है जो अलग अलग मुल्कों में कभी कभी होता है, और ये कू संवैधानिक रवायतों का है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये मुझे नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स की तरह लगता है। और 3 दिन बाद हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं 26 नवंबर को। क्या ये उचित होगा कि हम संविधान दिवस मनाएं, बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े वायदे हों, संविधान की कस्में खाई जाएं और उनकी तिलांजलि दी जाए?